भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले से ठीक पहले BCCI ने हाल ही में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय महिलाओं की इस युवा टीम को 5 करोड़ का चेक भी दिया गया। BCCI ने महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में सबसे पहले प्रेजेंटेटर रवि शास्त्री भारतीय अंडर 19 महिला टीम की उपलब्धि बताते नजर आते हैं। फिर BCCI के पदाधिकारी और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इन युवा खिलाड़ियों को सम्मानित करते दिखाई देते हैं। यह पहली बार था जब भारतीय महिलाओं की जूनियर टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। फाइनल मुकाबले में भी भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की। भारतीय कप्तान शेफाली वर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। यहां भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 68 रन पर समेट दिया। जवाब में भारतीय टीम ने महज 3 विकेट खोकर 14वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। फाइनल मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाली तितास साधु प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। इस भारतीय गेंदबाज ने 4 ओवर में महज 6 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।